हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। अब आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो जी है वो क्या है, कैपिटल जी है वो है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गुरुत्वाकर्षण के काम जी कैपिटल जी और जो स्मॉल जी है वो है गुरुत्वी त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन जी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो यहाँ पर अर्थ पर सपोज अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम। इससे पहले हम दो ऑब्जेक्ट लिए थे, एक का मास था कैपिटल एम और एक का मास था स्मॉल एम। तो अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट रखे हुए थे उसमें जो एक का मास था वो था स्मॉल एम और एक का मास था कैपिटल एम। और जो रेडियस है ये तो है मास, ये था मून का और ये था अर्थ का। तो हम जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं उसमें से एक का मास था कैपिटल एम और एक का मास था स्मॉल एम। और जो अर्थ है उसका रेडियस है आर। एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा
अगर दोनों इक्वल जगह से इक्वल पोजीशन से नीचे गिराया जा रहा है तो दोनों पर जो एक्सीलरेशन पर होगा वो सेम होगा और दोनों ही जब अर्थ पर पहुंचेगी अर्थ को छूते समय उनकी जो वेलोसिटी वो क्या होगी दोनों की सेम होगी। तो वहां पे अगर दोनों ऑब्जेक्ट हम दो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा रहे हैं और दोनों इक्वल जगह से एक समान जगह से दोनों अर्थ पर पहुंचेगी तो एक समान ही पहुंचेगी उनकी जो वेलोसिटी वो एक समान होगी। लेकिन अगर एयर है तो एयर के कारण प्लावन और स्यान बल के कारण उनका जो एक्सीलरेशन होगा वो अलग अलग होगा और जो भारी वस्तु है जिनका भार ज्यादा है वो पहले पृथ्वी पर पहुंचती है। अगर एयर ऊपर हो रहा है वहां पे तो प्लावन और स्यान बल के कारण दोनों का जो एक्सीलरेशन होगा जो त्वरण होगा वो अलग अलग होगा और जो भारी वस्तु है वो क्या होगी पहले पहुंचेगी। तो ये है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं जी जो हम यहाँ पे पढ़े थे ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बीच हम यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो ग्रेविटी का पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है गुरुत्वीय त्वरण है और जो जी है वो क्या है दिस इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट या गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जो जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सेकंड है इट्स वैल्यू चेंज विद द चेंज ऑफ लोकेशन। यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो लोकेशन चेंज होने पर उसकी जो वैल्यू है जी की वो चेंज हो जाती है। इट्स वैल्यू चेंजेस विद द चेंज ऑफ लोकेशन मतलब जो जी की वैल्यू है वो लोकेशन चेंज होने पर जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। सेकंड पॉइंट है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का इट्स वैल्यू द सेम एट एवरी प्लेस इन द यूनिवर्स। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है उसकी जो वैल्यू है ब्रह्मांड में यूनिवर्स में सभी जगह पर वो सेम होता है। थर्ड पॉइंट है इट्स एवरेज वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो जी की वैल्यू औसत वैल्यू है एवरेज वैल्यू है औसत मान है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का थर्ड पॉइंट है इट्स वैल्यू इज 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। यहाँ पर जी की जो औसत वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻¹⁻¹
डिपेंड करता है, जो वस्तु है उसके द्रव्यमान के अनुपात पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जीपी अपॉन जीए लिखेंगे, तो जीपी की वैल्यू आ जाएगी जी एम टी अपॉन आर पी स्क्वायर अपॉन जी एम टी अपॉन आर पी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे हम, जी एम टी आर पी स्क्वायर अपॉन इंटू आई ऊपर चले जाएगा तो ये आएगा जी एम टी, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, एम टी अपॉन एम टी इंटू आर ई स्क्वायर आर पी स्क्वायर। अब हमारे पास एम टी अपॉन एम एम पी की वैल्यू दी हुई है, आर पी की वैल्यू दी हुई है, अब हम वैल्यू रखेंगे। यहां पे हमको एम पी की वैल्यू दी हुई है 1/5, जीपी अपॉन जीई, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी जीपी अपॉन जीई की वैल्यू आएगी 4/5, तो जीपी इक्वल टू 4/5 इंटू जी। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जीई की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 4/5 इंटू 10, जी की वैल्यू आई थी 10, यहाँ पर आप देखें 10 मीटर पर सेकेंड, 5 × 5 = 10, तो यहाँ पर जीपी की वैल्यू आ जाएगी 4 × 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि